हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स एग्जाम के रिलीजन के प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस सेट ने एक तरह से ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो आप बोल सकते हैं जीके के पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताएगा स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे ठीक है नेक्स्ट है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था ये क्वेश्चन बहुत आता है ये सारे ही क्वेश्चन हमने वो लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो प्लीज इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा आंसर है ऋजुपालिका नदी नेक्स्ट है जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थ का महावीर स्वामी का जन्म हुआ कब हुआ था यानी पाँच ईसा पूर्व में नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने पांचवा कौन सा क्रम महाव्रत में जोड़ा यानी पांचवा महाव्रत उनका कौन सा था तो वो था ब्रह्मचर्य नेक्स्ट है. है जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया तो ये दिया गया था अहिंसा पर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपको चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करिए टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगी नेक्स्ट है जैन धर्म के श्वेतांबर और तथा दिगंबर संप्रदाय कब अस्तित्व में आए तो ये आए थे प्रथम अधिवेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म किस भाषा में लिखे गए तो ये लिखे गए प्राकृत तथा संस्कृत दोनों में नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन धर्म में क्या असमानता है तो ये इसमें आत्मा का असमानता है एक आत्मा को मानता है एक नहीं मानता ठीक है नेक्स्ट है जैन धर्म में मोक्ष निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है तो वो है त्रिरत्न इन तीन रत्न को आगे डिस्कस किया गया है फ्रेंड्स नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो इनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध आ, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रही हूँ प्लीज इन क्वेश्चंस को छोड़कर मत जाइएगा इनको आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था पांच ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान कहाँ था तो ये था कपिल के लुमरी नामक स्थान पर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है महात्मा बुद्ध को नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था तो ये था शुद्धोधन नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था तो इनकी माता का नाम था माया देवी महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था तो ये था प्रजापति गौतमी नेक्स्ट है बुद्ध के बेटे का नाम क्या था यानी महात्मा बुद्ध के बेटे का तो इनके बेटे का नाम था राहुल नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था तो इन जब ये 29 वर्ष के थे तब अपने घर को त्याग दिया था यानी घर अपना छोड़ दिया था नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है तो जब इन्होंने अपने घर को त्यागा तो इस पूरी घटना को महा महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया तो इन्होंने बनाया था आलन कराम को नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था तो इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक नेक्स्ट है पांच ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपने शिष्य कब बनाया था तो उर्वेला में उन्होंने अपने शिष्य को बनाया था नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है उपदेश से रिलेटेड है नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा गया है तो उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं जो अभी आपने हमने ऊपर डिस्कस किए थे त्रिरत्न वो तीन रत्न बुद्ध धम्म और संघीय क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं आ, ए, ए, चार ऑप्शन होंगे उसमें से ये होगा कि इसमें से कौन से त्रिरत्न में नहीं आते हैं तो अगर आपको ये तीन याद है तो आप बता सकते हैं कि इसमें से एक जो है वो त्रिरत्न में नहीं आता है ठीक है तीन पताए तो आप फोर्थ को पहचान सकते हैं कि कौन उसका पार्ट नहीं है नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध जन्मस्थली लुम्बनी बन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है तो ये आती है कौशल महाजनपद नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम अंतिम उपदेश उपदेश क्या था था तो इनका था, सभी वस्तुएं होती हैं अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए नेक्स्ट है जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया तो वह कहलाया बोध गया नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम दो अनुवाय कौन थे तो ये थे कार्लिक तथा तपासु नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे तो वो थे सम्राट अशोक नेक्स्ट है वेद कितने हैं और उनके नाम बताइए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो वेद हमारे चार होते हैं अब ये कौन कौन से हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद अच्छे से याद कर लीजिएगा जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थ का ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है तो वो है हमारा महावीर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था तो इनका जन्म हुआ था पटना में सिख गुरु आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था तो ये थे गुरु अर्जुन ने सिख ग्रंथ जो था आदि ग्रंथ इसका संकलन किया था नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर पंजाब के किस शहर में है तो ये अमृतसर में अगेन ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नेक्स्ट है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने प्रदान किया था तो ये किया था महात्मा बुद्ध ने नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को किस नाम से जान पुकारा जाता है तो ये कहा जाता है बौद्ध बिहार के नाम से ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है पुराणों की कुल संख्या कितनी है तो पुराणों की टोटल अठारह पुराण हुए हैं हमारे नेक्स्ट है राम त्रेता युग में पैदा हुए थे विष्णु के अवतार कृष्ण किस युग में आए तो ये आए थे द्वापर युग में तो याद रखिए राम त्रेता युग के हैं और द्वापर युग के हमारे विष्णु के जो अवतार थे वो थे कृष्ण जी वो द्वापर युग में आए थे नेक्स्ट है देवताओं का गुरु किसे कहा जाता है तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है नेक्स्ट है महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी तो ये अठारह दिनों तक चली थी नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन के धनुष को क्या नाम दिया तो गांडीव इनके धनुष को नाम दिया गया भगवान कृष्ण का महाअस्त्र सुदर्शन चक्र था और शंख का क्या नाम था तो शंख को वो बोला गया पांच जन्य नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे तो ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व किसका उपदेश दिया था तो इन्होंने गीता का उपदेश दिया था ये सबको पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता में कितने अध्याय व श्लोक हैं तो अठारह अध्याय व सात सौ से अधिक श्लोक हैं नेक्स्ट है, है गुरुमुखी भाषा किसने बनाई तो ये बनाई गुरु अंगद देव ने नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है तो वो है जैंदावस्था नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो वो थे गौतम बुद्ध नेक्स्ट आते हैं भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान कहाँ है तो वो है सारनाथ जो कि वाराणसी में है नेक्स्ट है हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है तो ये चार युगों में बांटा गया है सतयुग तिरतया युग, युग द्वापर युग और कलयुग नेक्स्ट है संजीवनी की खोज किसने की थी तो संजीवनी की खोज की थी गुरु शंकराचार्य नेक्स्ट है भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे श्री कृष्ण के गुरु कौन थे तो वो थे ऋषि संदीपन नेक्स्ट है महाभारत की रचयिता कौन थे तो वो थे महर्षि वेदव्यास नेक्स्ट है बौद्ध धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को क्या कहते थे तो ये कहते थे उसको संग। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और वे अच्छे वीडियोज के साथ तब तक के लिए बाय बाय